ये से अनु जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि धनिया 8000 के ऊपर काफी समय से सस्टेन होकर चल रहा है, जीरा भी 15000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 15000 के नीचे 14900 के घरों में, और आज हल्दी में काफी ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं पहले के मुकाबले। अब आपको क्या लग रहा है मसालों में कैसी तेजी देखने को मिल पाएगी आगे जाके, या फिर अभी मंदी रहेगी? देखिए मसालों में तेजी का रुख भी है, एक्सपोर्ट डिमांड से हमने जीरे में काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी है, टर्मरिक के अंदर भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड देख रहे हैं और लोअर सोइंग एक्टिविटी भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कैस्टर के स्पाइसेस में जो ट्रेंड बना है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। फिजिकल मार्केट के अंदर हालांकि कुछ एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी आई है, हालांकि अराइवल ज्यादा है, मगर उसके मद्देनजर जो एक्सपोर्ट इंक्वायरी और डोमेस्टिक फेस्टिवल इन्वेंट्री है डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि फिलहाल टर्मरिक में और बाकी मसालों में तेजी का रुख रहेगा, हालांकि थोड़ा मोमेंटम स्लो रहेगा, बट हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है टर्मरिक के अंदर भी। जी